हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत करता हूं प्राइम ट्यूटोरियल में। तो अगर आप भी टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम 4.0 सीखना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन टैली का सीखना चाहते हैं, अच्छे से टैली सीखना चाहते हैं, तो ये टैली की सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए। इसको शुरू से आखिरी तक अगर आप देख लेंगे तो आप टैली में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे दोस्तों। तो शुरू से इसमें हम लोग टैली सीखेंगे, एक एक पार्ट के बारे में सीखेंगे, हर एक चीज़ हर एक जानकारी लेंगे टैली के बारे में। इवन आप टैली को मॉडिफाइड करना भी सीख जाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब चीज़ें आप मॉडिफाइड भी कर पाएंगे। इतना मैं डीपली आपको टैली सिखाने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों, टैली ही क्यों आपको सीखना चाहिए, ये भी बड़ा मैटर वाली बात है। तो टैली हमें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि टैली ही एक सबसे ज़्यादा सिंपल बिजनेस सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इसमें आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, इसमें आपका एम्प्लॉय मास्टर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी वाला काम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्क कर सकते हैं जो एक बिजनेस को ज़रूरत रहती है, उसके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए, उसके प्रॉफिट को ट्रैक करने के लिए। तो कोई सा भी बिजनेस होता है दोस्तों अपना, उसका हिसाब किताब रखने के लिए हमेशा हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। पहले लोग मैनुअल काम करते थे, बुक्स वगैरह रेडी करते थे, सारा कुछ मैनुअल हाथ से लिखा जाता था, बुक्स को उसका टोटलिंग वगैरह करना रहता था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती थी। लेकिन जब से दोस्तों ये टैली आ गया, सब कुछ आसान हो गया है। अगर आप टैली के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करते हैं पहले, तो उसको आपको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि अगर आप टैली के साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और साथ में आपका अकाउंटिंग भी परफेक्ट हो जाता है। इवन जो अकाउंटेंट हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी टैली सीख सकते हैं, और जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो भी टैली सीख सकते हैं दोस्तों, और जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो डाटा एंट्री में भी काम कर सकते हैं टैली सीखने के बाद में। अगर आपको भी लगता है कि आपको दो पैसे कमाने हैं, कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो आप जरूर टैली सीखिए, क्योंकि अकाउंट्स ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब है इसके अंदर में। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है अकाउंटिंग फील्ड में, या बिजनेसेस के जो भी हिसाब किताब रखने उसमें अगर आपको आगे हमेशा रहना है, तो आपको टैली में परफेक्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप परफेक्ट जरूर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, टैली अगर आपको सीखना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेबिट क्रेडिट सीखना। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, और हर जगह आपको टैली में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से उस चीज़ को समझ लीजिए, एक ही बार आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के और भी किसी चीज़ को समझने के लिए। आप एकदम एक अगर परफेक्ट अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेबिट किस तरीके से होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दे दिया तो उसको आप डेबिट कर दोगे, मतलब जिसके पास में आपका पैसा पहुंच रहा है उसको आप डेबिट कर दोगे, और जहां से आपका पैसा निकल रहा है, मान लीजिए आपके कैश से पैसा निकल रहा है, तो आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। यानी कि जी चाहे सामान हो, पैसा हो, कुछ भी चीज़ें हो, जहां पर पहुंच रहा है उसको डेबिट करना है, जहां से निकल जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। इसको अगर और सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मेरे पास में दोस्तों ये एक बॉटल है, एक ग्लास रखी हुई है। बॉटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पानी भरा हुआ है और ग्लास अपनी खाली है। तो ये मान लेता हूँ ये मेरा बॉटल जो है वो कैश का काम करेगा, इसमें आपका पानी जो भरा हुआ है वो कैश भरा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं इस बॉटल से पानी को इस ग्लास में डालूँगा, ठीक है, मैंने बॉटल से पानी को ग्लास में डाल दिया, तो अब यहाँ पे पानी कहाँ पहुँच रहा है अपना, पानी पहुँच रहा है ग्लास के अंदर, तो अपना जो ग्लास है वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और पानी निकल कहाँ से रहा है, पानी निकला कहाँ से, ये निकला अपना बॉटल से, तो बॉटल अपना हो जाएगा क्रेडिट। यानी कि जहाँ से आपकी चीज़ें निकल रही हैं वो आपका क्रेडिट होगा, जहाँ पे आपकी चीज़ें पहुँच रही हैं उस चीज़ को आपको डेबिट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और आगे चल के अभी जब जैसे हम लोग एंट्री करते जाएंगे तो ये आपको और भी क्लियर होते जाएगा दोस्तों। तो डेबिट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, और ये भी आप समझ लीजिए ऐसा कि जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, तो हमेशा वो लेजर एक्सपेंस वाला आपका डेबिट होना है। चाहे वो आपका किसी को आप खर्चे का पेमेंट दे रहे हों, किसी को कुछ भी दे रहे हों, वो लेजर हमेशा सामने वाला डेबिट होगा। अगर आपके पास में कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपका इनकम हो रहा है, तो हमेशा इनकम वाला लेजर आपको क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टैली प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता रहती हैं, जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों टैली को सीखेंगे यहाँ पर 7 पार्ट में। नॉर्मल लोग बोलते हैं कि टैली को 5 पार्ट में ही सीखना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों टैली में अगर आपको परफेक्ट बनना है, नंबर 1 बनना है, तो आपको इसको 7 पार्ट में सीखना चाहिए।
तो पांच पार्ट क्या होते हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट सातवां पार्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है इसमें कंपनी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे प्राइम ट्यूटोरियल करके कंपनी ये ओपन है दोस्तों, तो ये हमारी कंपनी आ गई। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया अपना कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो ये सारी जानकारी हम लोग सीखेंगे कंपनी इन्फो वाले पार्ट में। उसके बाद फिर दोस्तों टैली चलाने के लिए ज़रूरी होता है उसमें आपको मास्टर बनाने, मास्टर मतलब आपके स्टॉक आइटम हो गए, आपके लेजर हो गए, खाता वही जिसको आप बोलिए, तो आपके खाता हो गए, लेजर्स हो गए, स्टॉक आइटम हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो मास्टर्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मास्टर्स वाले जो फील्ड है इसमें आपको क्रिएट अल्टर ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना थर्ड नंबर टैली सीखने के प्रोसेस में आ जाता है दोस्तों, वो है वाउचर यानी कि अपना ट्रांजेक्शन। तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर में ये जो वाउचर्स आप देख रहे हैं तो वाउचर्स वाला काम अपना रहेगा नेक्स्ट। तो यानी कि सबसे पहले आपने कंपनी क्रिएट किया, कंपनी के बाद आपने मास्टर क्रिएट किया, मास्टर के बाद आपने वाउचर क्रिएट करे, ठीक है। ये आपके तीन पार्ट हो गए टैली सीखने के। चौथा पार्ट है अपना दोस्तों डिस्प्ले रिपोर्ट करने का। तो आप जो भी काम करते हैं उसकी रिपोर्टिंग डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे बिजनेसेस उसी पे चलते हैं, उसी पे स्टैंड रहते हैं, इसीलिए वो अपना हिसाब किताब रखते हैं ताकि वो अपनी रिपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो सबसे अहम चीज़ इसमें है रिपोर्टिंग देखना, यानी कि आपने कंपनी बना लिया, मास्टर क्रिएट कर लिया, वाउचर क्रिएट कर लिया, अब आप रिपोर्टिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें टैली के अंदर। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्टिंग्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये अपना डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया चौथा पार्ट। उसके बाद फिर दोस्तों आपने इसको डिस्प्ले कर लिया, रिपोर्टिंग आपकी सही है, आप उसको शेयर भी करोगे, आप कस्टमर्स को बिल भी दोगे, उनसे पैसा भी कलेक्ट करोगे, और तो इसीलिए यहाँ पे आपको शेयर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। शेयर में आपको ईमेल, व्हाट्सअप ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, साथ में प्रिंट भी अपना यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपना टैली सीखने से रिलेटेड दोस्तों पांचवा पार्ट है प्रिंट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये पांच पार्ट में आप टैली सीख जाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे दो पार्ट एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें जो छठवां पार्ट है आपकी मेहनत कम हो जाए, टैली के अंदर आपकी मेहनत कम हो जाए उसको लेके मैं आपको छठवां पार्ट बताऊँगा, यानी कि आप इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले में भी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका जो यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले ये दो सेक्शन दिख रहे हैं इसमें भी मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये अपना छठवां पार्ट हो गया दोस्तों। और सातवां पार्ट जिसमें आप टैली को प्रॉपर तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मॉडिफाइड इसके, उसमें जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, ये मास्टर्स की जो लिस्ट दिख रही है आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स टैली की डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स वाले सेक्शंस हैं आप अपनी खुद की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर पाएँ। तो ये अपना जो रहेगा इस सातवें पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि सातवां पार्ट अपना होने वाला है दोस्तों TDL का, टैली डिफिनीशन लैंग्वेज का। मैं आपको प्रोग्रामिंग तक इसमें सिखा दूंगा कि आपको टैली में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो मैं इस सात पार्ट में आपको ले कर चलूँगा और आपको प्रॉपर तरीके से एकदम एडवांस्ड सेक्शन की आपको टैली सिखा के रख दूँगा, यानी कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, दूसरे से हमेशा आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये आपने अभी टैली के बारे में जान लिया। अब इसको अगर आपको चलाना है तो आप इसको एजुकेशनल वर्जन में भी आप चला सकते हैं, आपके पास में लाइसेंस वर्जन होना ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको हेल्प में जाके यहाँ अबाउट सेक्शन में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा तो अभी इसमें लाइसेंस इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर मेरा लाइसेंस का सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप इसको बिना लाइसेंस के भी चला सकते हैं, एजुकेशनल मोड में चला सकते हैं। तो टैली की सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि आप इसको एजुकेशनल मोड में भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस परचेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप पढ़ने के लिए सीखने के लिए टैली का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो एजुकेशनल वर्जन अगर आपको डाउनलोड करना है टैली का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर tallysolutions.com की वेबसाइट पर चले जाइए, या तो आप टैली सॉल्यूशंस करके आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, तो इधर आप डाउनलोड में चले जाइए। अभी जैसे यहाँ पे टैली प्राइम 3.0 लिखा हुआ है, तो इसमें आपका टैली प्राइम 4.0 ही बहुत जल्दी आने वाला है, या तो आपका बीटा वर्जन टैली प्राइम 4.0 का यहाँ पे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे टैली प्राइम 4.0 डाउनलोड करेंगे और इसी से सीखेंगे, क्योंकि जब भी आपको सीखना चाहिए कोई चीज़ हमेशा लेटेस्ट वर्जन से आप सीखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दोस्तों डाउनलोड कर लेना है टैली प्राइम 4.0 को, तो इधर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे
तो ये फाइल आपका, ये सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, बस थोड़ी ही देर में सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा और इस सेटअप को आपको रन करा देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेटअप रन कराएंगे दोस्तों, तो अगर आपका पहले से टैली कोई इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट बन के आ जाएगी आपका कौन कौन से टैली पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है। तो मेरे सिस्टम में भी सारी टैली इंस्टॉल्ड है, जितनी भी इनके पुराने से लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको नई टैली इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप इंस्टॉल न्यू पे एंटर करिए, उसके बाद यहाँ पर जो भी पथ आ रहा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इधर कॉन्फिगर में जाके अगर चेंज करना चाहें तो कॉन्फिगर में गए, यहाँ एंटर करके ये फाइल का नाम आप अपने हिसाब से चेंज करके रख सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको और भी बाकी चीज़ें भी चेंज करनी है तो यहीं कॉन्फिगर से आप यहाँ पे भी डेस्कटॉप शॉर्टकट पे भी आप इंटर करिए, यहाँ पे आप नाम चेंज करके अपने हिसाब से नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और ये आपका टैली प्राइम 4.0 इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको ओपन कर लीजिए। फिलहाल मेरा टैली इंस्टॉल्ड है तो मैं अभी इसको क्विट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब आपका टैली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से उसका लोगो बन के आएगा, टैली प्राइम लिखा रहेगा, आप इसको ओपन कर लेंगे। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और ये आपका टैली में जो भी कंपनी डिफ़ॉल्ट कंपनी रहती है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। अगर आपके पास में कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी नहीं ओपन है तो आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से कंपनी एक क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट कंपनी में चलते हैं दोस्तों। तो जो मैं पहला सेक्शन की बात कर रहा था टैली सीखने में, जो पहले सेक्शन का यूज अपना आ चुका है कंपनी इन्फो का, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है। कंपनी का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। आपकी जो भी कंपनी रहेगी, जिस भी कंपनी में आप वर्क करना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस के लिए आप काम करते हैं, जिस भी बिजनेस में आप वर्क करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे और यहाँ पे आपका स्टेट आएगा। स्टेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहता है और जीएसटी के लिए आपको स्टेट डालना ज़रूरी है। तो आपका जो भी स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे स्टेट ज़रूर आप डालिए और साथ में आपका एड्रेस भी इधर अपडेट करके रख दीजिए। तो एड्रेस अपडेट करने से क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी को प्रिंट वगैरह देना रहता है, किसी को मेल करना रहता है, कोई स्टेटमेंट निकालना है, तो वहाँ पर हर जगह आपका एड्रेस दिखेगा, आपका डिटेल दिखेगा और वो डिटेल आपका यहीं से जाता है। इसलिए आप यह एड्रेस यहीं पे सीधा अपडेट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कोई भी डिटेल आप छोड़िए नहीं। आप छोड़ते भी हैं तो भी आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना है तो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे ज़रूर फिल करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा डिटेल्स आपको डाल देना है, जो भी डिटेल आपके पास में है उसको आपको डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म आ जाता है और बुक्स बिगनिंग फॉर्म करके दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा इंडिया में अप्रैल से मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक चलता है। वो किसी भी ईयर का हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर 23-24 चल रहा है अभी करंट में, तो यानी कि आपका जो बुक्स स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का रहेगा। तो यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से आपका फाइनेंशियल ईयर डाल देना है। और सेकंड ऑप्शन आ जाता है दोस्तों बुक्स बिगनिंग फॉर्म। तो ये वाला क्या चीज़ है, तो ये आपका अगर पहले से कंपनी चल रही है ऑलरेडी, पहले से कई फाइनेंशियल ईयर में उनका काम हो चुका है, तो यहाँ पर आपको ये बुक्स बिगनिंग फॉर्म वही सेम फाइनेंशियल ईयर वाला ही रखना है। अगर आपकी कंपनी रिसेंटली दिसंबर में अभी अभी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे आपका बुक्स बिगनिंग फॉर्म वाली डेट आ जाएगी दोस्तों 1 दिसंबर की, या जब से भी आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, जब से आपने वर्किंग करना अपने कंपनी में चालू करा है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। अगर आपकी कंपनी पहले से चल रही है ऑलरेडी, उसमें कई फाइनेंशियल ईयर में काम हो चुका है, तो यहाँ पर भी सेम वही वाली डेट रहेगी। और यहाँ पर आपको बेस करेंसी सिंबल ये ऑटोमेटिक आ जाता है इंडिया के लिए। अगर आप का और भी किसी करेंसी में बिजनेस रहता है, आप बेस करेंसी आपका मान लीजिए यूएस डॉलर है, तो आप यहाँ पे करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो करेंसी अगर आपको कुछ और रखना है तो बाद में भी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुपीज़ INR ही रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली करके ऑप्शन आ चुका है। इनेबल ऑल फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सभी फीचर्स अपने बिजनेस के हिसाब से आपको इनेबल कर लेने हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसको कोई भी इसमें फीचर इनेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके इसको डिटेल में सारे फीचर को बताऊँगा। अभी तो फिलहाल अपना मोटिव है कंपनी क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल ए कर दूंगा, ये अपना सेव हो जाएगा। कंपनी इन्फो वाला जो अपना काम था वो अपना हो गया है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना है, उसमें प्रो बनना है, तो आपको उसमें फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप फास्ट तरीके से उसमें काम कर सकते हैं तो आपके सारे काम बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके कलीग रहेंगे, जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे,
आपके बॉस रहेंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों इसका शॉर्टकट की। आप हमेशा आप ट्राई करना कि आप हमेशा शॉर्टकट की के थ्रू ही चलना। तो अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक कर करके आपको अंदर में जाना रहता तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते थे। टैली की यही खासियत है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आप शॉर्टकट की का यूज करके काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की को पहचाने कैसे, यूज कैसे करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे लेटर्स हाईलाइटेड हैं, जैसे डे बुक का के हाईलाइट है, वाउचर्स का वी हाईलाइट है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच हाईलाइट है, अल्टर का यहाँ पे ए हाईलाइट है, यहाँ बैलेंस शीट का बी हाईलाइट है। तो जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिख रही है वही लेटर आप प्रेस करके जा सकते हैं वहाँ पे। जैसे मुझे वाउचर्स में अंदर जाना है तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तब अंदर जाऊँगा वाउचर के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी की प्रेस करूँगा। जैसे वी की प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे वाउचर में चले जाऊँगा। वैसे ही जो भी मेरा यहाँ पे हाईलाइटेड की डे बुक में जाना है, मैं यहाँ पे के प्रेस करूँगा, मैं यहाँ डे बुक में आ जाऊँगा। तो ये आपको शॉर्टकट कीज को अपने ध्यान में रखना है, आप हमेशा यूज इसी को करिए। आप माउस का कम से कम इस्तेमाल करिए। माउस मैं तो बोलता हूँ माउस आपको इसमें टैली में छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में भी देख सकते हैं, इधर अंडरलाइन लगी हुई है, ओ के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे भी जेड के नीचे अंडरलाइन है। तो जिसमें एक सिंगल लाइन है उसका आल्ट होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कंपनी ओपन करना है तो आप डायरेक्ट के नहीं दबाएंगे, आल्ट के साथ में के दबाएंगे। अगर आप यहाँ पे आल्ट के साथ में के दबाएंगे तो आप सीधा यहाँ पे कंपनी वाले डिटेल में पहुँच जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं F3, आल्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3, ये चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। और वैसे ही दोस्तों जहाँ पे भी आपको दो लाइन दिखे, जैसे यहाँ सिंगल लाइन ऑल्ट हो गया, दो लाइन दिखी तो मतलब उसका मतलब कंट्रोल है। जैसे यहाँ पर सेट कंपनी के नीचे में दो लाइन दिख रही है तो इसका मतलब कंट्रोल है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करना है तो ये बटन आपकी वर्क कर जाएगी। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद होते जाएगा। बस आपको मैक्सिमम मैं बोलता हूँ कि हफ्ते से 10 दिन अगर आप लगातार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर दें तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। और ये सारे जो शॉर्टकट कीज हैं दोस्तों, इसके अलावा जो अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्टर, जिसको मास्टर शॉर्टकट की आप बोलेंगे, वो है अपना इंटर और स्केप। आपको जिस किसी के अंदर भी जाना है, अभी मेरा कर्जर यहाँ पे है, मैं इसको एरो की से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मुझे इसके अंदर में जाना है, मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा। बाहर निकलना है, इस्केप बटन प्रेस करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। आपको जिस भी जगह में जाना है वो आप वहाँ पे इंटर प्रेस कर करके उसके अंदर में जा सकते हैं और इस्केप प्रेस कर करके उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट कीज है दोस्तों जिसका यूज करके आप इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। तो आप कोशिश हमेशा यही करेंगे कि आपको शॉर्टकट कीज का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या सीखा कि डेबिट क्रेडिट हमने सीख लिया, कंपनी हमने क्रिएट करना सीख लिया, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी रहती है, किसी की ज़िंदगी अकाउंटिंग कैसे बदल सकती है, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी इस पर भी बात कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपन प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे करें, उसमें एंट्रीज कैसे करें, मास्टर कैसे क्रिएट करें, वाउचर कैसे क्रिएट करें। तो ये मेरे पास में लिस्ट रहेगी दोस्तों, मैं इसी को लेके उसमें एंट्रीज करूंगा और आपको बताते भी जाऊंगा कि अपने को कौन कौन से मास्टर्स क्रिएट करने हैं और कौन कौन से चीज़ों को अपने को ध्यान में रख के चलना है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके बाकी भी फ्रेंड लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत रहती है दोस्तों हम लोगों को, से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।